इलाहाबाद में संगम किनारे लगा है आस्था का महाकुंभ और इसमें दिख रहे हैं भारतीय अध्यात्म आस्था और संस्कृति के अजब अनोखे रंग। कहीं धुनी रमाते बाबा लोगों को हैरान कर रहे हैं तो कहीं भस्म लपेटे सन्यासी सबका मन मोह रहे हैं, तो अखाड़े पेश कर रहे हैं परंपरा की अनोखी मिसाल। प्रयाग की कुंभ नगरी में यह देश के सबसे बड़े अखाड़े दशनाम जुना अखाड़ा की मेला छावनी। दूर से ही छावनी के अंदर लहलहा रही है बावन हाथ की ये धर्म ध्वजा। अखाड़े की यही शान है और यही अभिमान भी। धर्म ध्वजा के लगते ही ये मान लिया जाता है कि कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। ये धर्म ध्वजा बावन हाथ लंबे दंड पर लगी है। इसी ध्वजा के नीचे लगता है अखाड़ों का डेरा। जो हमारे स्नान होते हैं ना, जैसे तीन स्नान होते हैं, तो जैसे पहला स्नान करके एक ध्वजा उतारते हैं, दूसरा उतारते हैं, फिर तीसरा उतारते हैं, तो पर्व की ध्वजा हो जाती है। मेन तो ये बड़ी ध्वजा होती है, वो छोटी जो ध्वजा होती है वो पर्व की ध्वजा ना स्नान की ध्वजा होती है। वो चढ़ाते हैं फिर वहां जाके। हाँ नहीं नहीं उतारते हैं उस दिन कि हमने एक स्नान जो है हाँ ठीक से कर लिया है, तो उसका एक वो गौरव है। ध्वजा का रंग हर अखाड़े को अलग पहचान देता है। शैव नागा सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के अग्नि अखाड़े के पताके का रंग गेरुआ होता है, लेकिन ध्वज दंड का विधान कहीं कहीं अलग होता है। निरंजनी और आनंद अखाड़ों के ध्वज दंड पर बावन मणियों के प्रतीक बावन बलियां लगी होती हैं और इसमें बावन बंद भी होते हैं। प्राचीन समय से चले आ रहे हर अखाड़े के अपने नियम और परंपरा होते हैं जिनका कड़ाई से पालन किया जाता है। इस मंदिर में आते हैं लोग, भक्त लोग, उनकी इच्छा है साधु बनना है, तो वो आया, उसने इच्छा जाहिर की गुरु बनना है, तो सबसे पहले उसको बनाते हैं महापुरुष, महापुरुष बनाते हैं और महापुरुष के लिए पंच गुरु बनते हैं। पांच गुरु बनेंगे अखाड़े में, पांच गुरु बनेंगे, एक देगा लंगोटी, एक कंठी और एक भस्मी देता है, एक चोटी काटता है, तो ये पंच गुरु बनते हैं। उसके बाद जा करके फिर कहीं दिगंबर गुरु का नंबर, ये पद्धति है, प्रथम चरण है। 54 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ के सभी अखाड़ों में लहराती ये पताकाएं उनकी आन बान और शान की कहानी कहती हैं। इसी ध्वजा के नीचे हर अखाड़ा अपने इष्ट देव की प्रतिमाओं को स्थापित करता है और उनकी पूजा करता है। इन पताकाओं के नीचे होते हैं कुछ विशेष कैंप जिनमें अखाड़ों के अस्त्र शस्त्रों का भी प्रदर्शन होता है। इनमें बर्छी, भाला, तलवार और त्रिशूल जैसे पारंपरिक हथियार शामिल होते हैं। इसमें अनेकों प्रकार के त्रिशूल, भाला, बरशो, तलवार, खड़ग आदि आदि अनेकों प्रकार चंद्र आकार में कई अस्त्र होते हैं। कई प्राचीन अस्त्र ऐसे हैं, अद्भुत है, उसका कोई नाम हम नहीं बता सकते, उसको सिर्फ देख करके समझ सकते हैं कि इस प्रकार के अस्त्र हैं। तो उसका सब अलग अनेकों प्रकार उसका रूप है, स्वरूप है, उसका प्रयोग है, लेकिन ये सब आधुनिक नहीं है, ये प्राचीन है बहुत। तो वो सब पूजा में ही रखा जाता है, क्योंकि कम से कम हम जब से यहाँ संन्यास लिए हैं या हम बहुत गुरु लोगों ने हमें बताया है, तब से उन अस्त्रों को देख रहे हैं, ये सब बहुत ही प्राचीन और कहते हैं। हर अखाड़ा अपने आप में परंपरा की एक नई मिसाल पेश करता है। हर अखाड़े की अलग पहचान होने के साथ सबके इष्ट देव भी अलग होते हैं। कोई शिव का उपासक होता है तो कोई सूर्य देव का, तो कोई गणपति को ही अपना इष्ट देव मानकर उनकी पूजा करता है। इलाहाबाद से संजय शर्मा और प्रतीक त्रिवेदी के साथ 23 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहा जाता है कि सन्यासी का जीवन बिना धुनी और भभूत के अधूरा है। महाकुंभ में हर कदम पर धुनी रमाते बाबा मिलते हैं। सांसारिक मोह माया का त्याग कर चुके ऐसे बाबा के लिए भस्म, तिलक और जटा का खास महत्व होता है। धुनी से उठता धुआं और भभूत से नहाए नागा सन्यासी, कुंभ इनके बगैर अधूरा है। सन्यासियों के जीवन में धुनी और भभूत का अपना महत्व है। कहा जाता है कि बगैर धुनी और चिमटे के कोई भी इंसान सन्यासी नहीं बन सकता। दरअसल इस धुनी में ही सन्यासी का पूरा जीवन बंधा होता है। सन्यासी परंपरा में धुनी ब्रह्मांड का रूप है जिसमें सब कुछ समाहित है।
धुनी का जो है ये गुरु लोगों ने जो है इसको अध्यात्म में लिया हुआ है जी। जैसे ये चार खानी जी। चार पानी, ये चार कोण है इसकी जी। ये चारों दिशाएं हैं जी। और ये जो कोना है ये उप दिशाएं हैं जी। तो इसको चार खानी चार पानी जी। तो इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि नैऋत्य वायु विशान आकाश और पताल जी। ये दसों दिशाएं का अध्यात्म में दिया हुआ है जी। तो इसके अंदर जो अग्नि है जी। जैसे अपने शरीर के अंदर आत्मा जी। जब आत्मा शरीर से जुदा हो जाती है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता जी। तो इसके अंदर जो आत्मा है वो अग्नि है जी। साक्षी है जो अग्नि है जी। जैसे अपने शरीर के अंदर आत्मा साक्षी है। धुनी है तो कमंडल भी है, क्योंकि अग्नि है तो जल भी है। अलग अलग तत्वों की साधना ही सन्यासी के जीवन का आधार है, लिहाजा अग्नि की शांति के लिए जल जरूरी है। धुनी पर खाना भी बन जाता है और खाना खाने के बाद सन्यासी राम धुन भी जपता है। उल्टा सीधा वक्त आ जाए तो उसका चिमटा हथियार भी बन जाता है। शरीर पर मली भभूत और लंबी जटाओं को समेटने के लिए बाबा को पगड़ी की जरूरत पड़ती है। भभूत लगाकर काफी मेहनत से बनती हैं ये जटाएं। जटाओं को सजाने और साधने के लिए पगड़ी जरूरी है। बाबा चाहे बुजुर्ग हो या बालक, तिलक छाप और पगड़ी जरूरी है। देखिए इस बाल ब्रह्मचारी को सन्यासी के श्रृंगार की ट्रेनिंग किस तरह मिल रही है। त्रिपुंड लगाकर पगड़ी बांधी और बन गए ये लाल बाबा। नागा सन्यासी का पूरा जीवन भस्म से सजा होता है और ये मंत्रों से भी बंधा होता है। सन्यासियों के माथे पर सजने वाले ऐसे त्रिपुंड तिलक का रंग ढंग किसी जमाने में अलग होता था, लेकिन अब तो सबको छूट है। कोई सिर्फ टीका लगाता है तो किसी का ललाट चंदन त्रिपुंड से भरा रहता है, कोई भस्म त्रिपुंड से मस्त है। यानी बदलते वक्त के साथ सन्यासियों के माथे पर लगने वाले तिलक और त्रिपुंड में भी बदलाव आ चुका है। इलाहाबाद से प्रतीक त्रिवेदी के साथ तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का असर ऐसा कि इसमें विदेशी भी नहीं बचे। यही वजह है कि महाकुंभ में विदेशी सैलानी ही नहीं सन्यासी भी खूब देखे जा रहे हैं। कई विदेशी तो अपना घर परिवार छोड़ सन्यासी बन गए हैं और विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अलख जगाने का काम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का जादू ऐसा है कि विदेशी भी इससे बच नहीं पाते और अपना घर बार छोड़कर इसमें डूब जाते हैं। रूस की फैशन डिजाइनर ओल्गा अब आत्मा परमात्मा के सच को जानने के रास्ते पर निकल पड़ी है। जूना अखाड़ा अब इस रूसी महिला को मंडलेश्वर आनंद लीला गिरी के नाम से जानेगी। मंडलेश्वर बनने की ललक ऐसी जगी कि लीला आनंद मोह माया त्याग कर इस कठिन राह पर चल पड़ी। लीला आनंद गिरी का कहना है कि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं झांकना चाहती। लीला आनंद के बारे में कहा जाता है कि 13 साल उन्होंने सन्यास में बिताए हैं, इसलिए उनको आगे की साधना में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। लीला आनंद की तरह रूस के कई युवकों पर भी सनातन धर्म का पक्का रंग चढ़ चुका है। इनके गुरु भी रूस के ही मंडलेश्वर विष्णु देवा नंदगिरी हैं। 13 или 14 лет назад и стала монахиней брахмачарини и делала севу и садхану. Она давно уже практикует и все это время она очень преданно служила вашими на должности управляющего, а сейчас она занимает должность маханта с очень большой самоотверженностью и преданностью. सनातन धर्म के प्रचार में लगे विष्णु देवानंद ने रूस और दूसरे देशों में 105 मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। इनमें से 3 बन चुके हैं, लेकिन संकल्प पूरा होने के लिए गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। गुरु के आशीर्वाद के बगैर ना तो सन्यास संभव है और ना ही मुक्ति तक की यात्रा। इलाहाबाद से संजय शर्मा के साथ तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माँ कुंभ में दिखने वाली सन्यासिनें यहाँ आने वालों को हैरान करती हैं, लेकिन हर सन्यासी की अपनी अलग कहानी है। किसी ने जानबूझकर जीवन का ये कठिन रास्ता चुना तो किसी को मजबूरी में सन्यासिन बनना पड़ा।
शांति में डूबा महिला नागा सन्यासिनों का अखाड़ा, लेकिन इस शांति के बीच ही यहाँ तीन दिल ऐसे भी हैं जहाँ मचा हुआ है तूफान। एक ऐसा तूफान जिसने बदल दी इनकी जिंदगी। इन्हें पता ही नहीं चला और ये सन्यास की राह पर चल पड़ी। ये है गंगा नंदगिरी और ये है यमुना नंदगिरी। हफ्ते भर पहले ये नहीं थी, तब ये थी नीलिमा साहू और विभा साहू। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसी करवट बदली कि अब ये सन्यासिनों के अखाड़ों में मौजूद हैं। इसे आप दुख भरी कहानी भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि शायद सन्यास ऐसे ही जीवन में उतरता होगा। ये कहानी तीन बहनों की और उनके गुरु की है। कहानी में आध्यात्म और सन्यास कैसे उपजता है, इसका एक सहज उदाहरण देखा जा सकता है। कहानी में ये समझा जा सकता है कि जीवन में परिस्थितियां सन्यास की ओर कैसे और कब मोड़ देती हैं, ये पता भी नहीं चलता है। छह बहनों और दो भाइयों के साथ इलाहाबाद की ही रहने वाली ये दोनों सगी बहनें अपने दुख को सीने में ही संजो कर रखना चाहती हैं। 40 साल की गंगानंद गिरी को दुख इस बात का नहीं है कि परिवार ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई और परिस्थितियां ऐसी बनी कि तीनों बहनें प्रयागराज में सन्यासिनों के अखाड़े में पहुंच गईं। दो ने सन्यास ले लिया, छोटी बहन ने अभी सन्यास नहीं लिया है। शायद दोनों बहनें उसके लिए कुछ सपने संजोकर रखना चाहती हैं। लेगी वे, उसका भी समय है, अभी इस परिस्थिति में क्या करे वे भी। नहीं, उसको आप अगर उसकी शादी करना चाहेंगे, आप दोनों लोग करना चाहेंगे तो कराएंगे आप दोनों लोग शादी उसकी? क्यों नहीं कराएंगे, अगर वे चाहेगी, उसकी खुशी है तो कराने तो पड़ेगा ही। अब उसके ऊपर है सब, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वे क्या चाहती है। अगर वो चाहेगी शादी की तो शादी भी उसकी करवाएंगे, नहीं तो हमारे लोग के साथ ही रह जाएगी सेवा में। यमुना की उम्र महज 25 साल है, लेकिन उन्होंने सन्यास का कठिन रास्ता चुन लिया है। आंखों की आईब्रोज प्लक की हुई हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि सन्यास हफ्ते भर पहले ही तो लिया है। अंदर की कहानी की गहराई तो यमुना नंद गिरी ही जाने, लेकिन इतना वो जरूर जानती है कि दुख के कारण परिवार में चाहे जो भी रहे हो, पर अब सन्यास वो ले चुकी है। अब चलिए आपको मिलवाते हैं इस कहानी के चौथे किरदार, इनकी कंठी गुरु दिव्या गिरी से। बीएससी करने के बाद दिल्ली में पैथोलॉजी का कोर्स कर रही थी। लखनऊ लौटकर वापस मुंबई में पैथोलॉजी लैब लगाने का मन था, लेकिन यहाँ भी सन्यास उतरा तो बड़े ही चोर रास्ते से। शंकर की भक्त दिव्या गिरी के जीवन में मंदिर में ऐसा कुछ घटा कि वो सारी सुध-बुध खो बैठी और